बोन मेरो, क्या है ये बोन मेरो, क्या होता है ये बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, क्यों बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन को एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी मींस जीवनदायिनी कहा गया है कैंसर में, क्या रिलेशन है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन का कैंसर और कैंसर रिलेटेड पेशेंट से। ईयर 1956 को एक मार्वेलस और हिस्ट्री मेकिंग बोला गया है वर्ल्ड मेडिकल हिस्ट्री में, क्यों क्यों वर्ल्ड वॉर टू के बाद जितनी वॉरिंग कंट्री थी, स्पेशली जो यूरोपियन डेवलप कंट्री थी, एक मेजर चंक ऑफ फंड जो है वो ट्रांसप्लांटेशन रिसर्च में प्रोवाइड किया, क्यों अमेरिका फिर से एक ग्लोबल पावर और एक लीडिंग सुपर पावर इमर्ज हुआ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के रिसर्च में। ट्विंस में जुड़ा बच्चे, क्यों ट्विंस को एक दूसरे के लिए एक सेफ कॉर्नर बताया गया उनके पूरे लाइफ के लिए। 50 साल होने के बावजूद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक एक मिलियनरीज और बिलियनरीज मतलब कि एक हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के पॉकेट गेम बन के रह गया है। मेरा नाम है डॉक्टर मनीष कुमार सिंह, आई मैं यूएसए में एज ए साइंटिस्ट हूं और इस वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग एक ब्रीफली और इंक्लूसिवली कवर करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप स्किप करके ना देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बोन मैरो, जी क्या है ये बोन मैरो? आपने कभी यह सोचा है कि आपके बॉडी में ब्लड बनता कैसे, ब्लड बनाता कौन है? जी हाँ, सही सोचा आपने, ये बोन मैरो ही है जो आपके बॉडी में ब्लड बनाता है। अब आप सोचेंगे कि ये बोन मैरो होता कहां है, बॉडी में कहां लोकेटेड होता है ये बोन मैरो? आप देखेंगे इसमें एक टर्म है बोन। जी हाँ, बोन मैरो आपके बोन में होता है, बोन मैरो बोन के बहुत कोर में लोकेटेड होता है। ठीक है, आप स्किन पे देख रहे होंगे। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर रहा हूं। आपको पता है कि ये बोन मैरो भी दो तरह के होते हैं, एक रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। आपका जो ब्लड है वो रेड बोन मैरो बनाता है, ना कि येलो बोन मैरो। अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आप अक्सर सुने होंगे ओल्ड एज में लोगों को खून की कमी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। आपको पता है ये कमी होती क्यों है? जी हाँ, ये बोन मैरो की कमी से होती है। और ये क्यों कमी होती है, देखिए, विद द कोर्स ऑफ टाइम, चाइल्डहुड से एडल्टहुड, एडल्टहुड से ओल्ड एज तक जाते जाते ये जो रेड बोन मैरो है वो कन्वर्ट होकर येलो बोन मैरो होता जाता है। मतलब रेड बोन मैरो जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है येलो बोन मैरो में, और जिसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी होने लगती है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से ओल्ड एज में अक्सर ये देखा गया है कि खून की कमी हो जाती है। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब ये एक एजिंग का प्रोसेस है, इसको कोई स्किप नहीं कर सकते। हाँ, आप इसको डिलेट जरूर कर सकते हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज एंड वर्कआउट। यस, आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन टर्म से फैमिलियर जरूर होंगे, और जो नहीं है वो इस वीडियो में आज जान लेंगे कि क्या होता है ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। मैंने अभी बताया कि ब्लड जो है वो बोन मैरो फॉर्म करता है, तो अगर आपके बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम आएगी तो निश्चित रूप से आपके ब्लड फॉर्मेशन में भी एबनॉर्मलिटी आएगी। और अगर ब्लड का फॉर्मेशन एबनॉर्मल होगा तो आप एक डिजीज से सफर होंगे, और ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें ब्लड की एबनॉर्मलिटी आती है। जैसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ल्यूकेमिया मतलब एक कैंसर है, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया, लिम्फोमास, ये सारे केसेस जो है कहीं ना कहीं बोन मैरो से रिलेटेड है। बोन मैरो के प्रॉब्लम, बोन मैरो में एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या होता है कि आपकी जो ब्लड फॉर्मेशन जो सेल होती है जिसको हम स्टेम सेल कहते हैं, अगर हम मैं थोड़ा सा और डिटेल्स बताऊं तो बोन मैरो एक स्पॉन्जी टिश्यू है और ये ब्लड फॉर्म करता है किसके थ्रू, स्टेम सेल के थ्रू। मतलब बोन मैरो पहले बनाएगा स्टेम सेल, और स्टेम सेल जो आपके बॉडी में ब्लड बनाती है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। कैंसर पेशेंट में, स्पेशली मैं ल्यूकेमिया की बात कर रहा हूं, ऐसे पर्सन में बोन मैरो में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, और जिसकी वजह से व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है और वो पर्सन जो है कैंसर से सफर करने। 19th सेंचुरी में मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया, और प्रोग्रेस होने की वजह से डायग्नोसिस टेक्निक का भी डेवलपमेंट हुआ। तो 19th सेंचुरी में फ्रॉम द बिगनिंग जो है वो बहुत सारे केसेस कैंसर के आने लगे। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में कैंसर पेशेंट का पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ते गया, और डायग्नोसिस के डेवलपमेंट की वजह से लोगों को पता चला कि ये जो कैंसर है वो बोन मैरो में एबनॉर्मलिटी की वजह से हो रहा है। तो बहुत सारे साइंटिफिक टीम ने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर में बोन मैरो के रिसर्च पे काम करना शुरू करे। और ये यही वही साल है 1956 जब डॉक्टर डोनेल थॉमस ने फर्स्ट टाइम एक सक्सेसफुल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को कंप्लीट किया, और बहुत सारे पेशेंट के एक रामबाण, जिसको कह सकते हैं लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी। इसलिए मैंने कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू आप ल्यूकेमियाज,
एप्लास्टिक एनीमियाज और ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मल डिजीज, जेनेटिक डिजीज को आप टैकल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैंसर पेशेंट पर्टिकुलर ल्यूकेमिया को कैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से रिकवर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए एक डोनर की जरूरत होती है, मतलब कि कोई पर्सन अगर कैंसर से सफर कर रहा है तो उसको बोन मैरो की जरूरत है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। तो बोन मैरो को देने के लिए कोई एक हेल्दी डोनर चाहिए, ठीक है। एक हेल्दी डोनर के बोन से हम लोग स्टेम सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये वही स्टेम सेल है जो आपके ब्लड को फॉर्म करता है, जो मैंने पहले बताया। अब हेल्दी डोनर से बोन मैरो को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब स्टेम सेल को, और इस स्टेम सेल को जो पर्सन है जो कैंसर से सफर कर रहा है उसके वेंस में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब उस पर्सन में जो कैंसर से सफर कर रहा है उसके बॉडी में एक हेल्दी स्टेम सेल चला गया, मतलब कि एक हेल्दी बोन मैरो, अगर लेमैन में बोलूं तो एक हेल्दी बोन मैरो चला गया। अब वो स्टेम सेल एक हेल्दी ब्लड बनाएगा, क्योंकि आपको आपको अगर मैं फिर से याद दिलाऊं तो ल्यूकेमिया पेशेंट में व्हाइट ब्लड सेल का पॉपुलेशन बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके बोन मैरो में एनॉर्मलिटी आई है। तो डोनर से जो एक्सट्रैक्टेड ये स्टेम सेल है जब कैंसर पेशेंट में डाला जाता है तो उसके बॉडी में एक हेल्दी ब्लड बनना शुरू हो जाता है, एक स्वस्थ व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से उनकी बॉडी में जो है फिर से एक नॉर्मल ब्लड बनना फॉर्म होना शुरू कर देता है। तो इसीलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी कहा गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा क्या कारण था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पे या फिर ट्रांसप्लांटेशन रिसर्च पे एक बहुत मेजर चंक ऑफ फंड को रिसर्च के लिए प्रोवाइड किया गया। ईयर 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन चलता है और इस वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे सोल्जर अपने लाइफ को लॉस्ट करते हैं, अलॉन्ग विद इट बहुत सारे इंजोर्ड भी होते हैं। और एक जो बहुत कॉमन चीज होता है वो होता है स्किन बर्निंग और खून की कमी। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे सोल्जर जो है वो इंजोर्ड होते हैं और जिससे उनके शरीर में, उनके बॉडी में ब्लड की कमी होती है। इसके अलावा जो बॉम्बिंग के दौरान जो रेडिएशन निकलती है उससे बहुत सारे जो सोल्जर थे वो कैंसर से सफर कर रहे थे। यही नहीं, मैनी सोल्जर वे सफर्ड फ्रॉम द स्किन बर्निंग सिचुएशन, मतलब उनका जो स्किन था वो बर्न हो चुका था। ऐसे सिचुएशन में सोल्जर्स की कमी होने लगी जो वॉरिंग कंट्री थी, और फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हो जाती है। ऑलरेडी सोल्जर्स की कमी थी और सोल्जर इंजोर्ड भी थे और खासकर स्किन बर्निंग और ब्लड की कमी से सफर कर रहे थे, और इवन जो इंजोर्ड सोल्जर थे वो लेस इफिशियंट थे, वो उतना एक्टिव नहीं थे। तो ऐसे केसेस में जो वॉरिंग कंट्री थी उनको इसकी कमी हो रही, ऐसे सिचुएशन में जो वॉरिंग कंट्री थी उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न था ये सोल्जर्स के इशू। ऐसे सिचुएशन में जो वॉरिंग कंट्री की गवर्नमेंट थी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है अपने कंट्री के साइंटिफिक टीम के साथ और उनको सजेशन देते हैं कि आप ट्रांसप्लांटेशन रिसर्च पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। और उसका वजह यह था ताकि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सके, मतलब एक हेल्दी पर्सन से ब्लड इंजोर्ड सोल्जर में दिया जा सके, ट्रांसफ्यूज किया जा सके। यही नहीं, जो सोल्जर स्किन बर्न से सफर करे थे वो फास्ट रिकवर कर सके। ये वही साल था जब डेवलप्ड कंट्री जो वॉरिंग कंट्री थी और स्पेशली यूरोपियन कंट्री थी अपनी एक स्ट्रांग फोकस जो है वो ट्रांसप्लांटेशन रिसर्च में दी। और यही वजह है कि यूरोपियन कंट्री, पर्टिकुलरली जो डेवलप्ड कंट्री, जो जो वॉरिंग कंट्री थी, एक मेजर चंक ऑफ फंड अपनी इकोनॉमी का ट्रांसप्लांटेशन रिसर्च पे दिया, प्रोवाइड किया। और इस फंडिंग के वजह से ट्रांसप्लांटेशन रिसर्च में एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ। जी हाँ, ये वही दौर था जब फर्स्ट टाइम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेस किया गया। जी हाँ, और ये वही साल था 1956 जब डॉक्टर डोनल्ड थॉमस ने फर्स्ट टाइम 1956 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये जो यूरोपियन कंट्री थी, जो वॉरिंग कंट्री थी, जो डेवलप कंट्री थी, अपने इकोनॉमी का एक मेजर चंक ऑफ फंड जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांट रिसर्च पे प्रोवाइड किया। 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश किंगडम की सुपर मैसी थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन ये वही दौर था ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में यूएसए कहीं ना कहीं ब्रिटिश सुपर पावर के सुपरमेसी को ओवरकम कर रही थी और एक इमर्जिंग पावर के रूप में लीड कर रही थी। और ये वही दौर था जब यूएसए ब्रिटिश की इकोनॉमी को सरपास कर चुकी थी। मेरा एक वीडियो है हाउ यूएसए बिकम द सुपर ग्लोबल पावर, आप इस वीडियो को जरूर जाके देखें। ये बहुत ब्रीफली और इनक्लूसिवली कवर किया कि कैसे यूएसए एक ग्लोबल सुपर पावर बना, ऐसी कंट्री जिसका वर्ल्ड मैप पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं था 600 से 700 साल पहले, और
कैसे गुलामी से एक सुपर पावर बनाए, उसके पूरे जर्नी को मैंने इस वीडियो में जो है कंप्लीटली कवर किया। आप जरूर जाके देखें, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत इंक्लूसिव है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए एक ग्लोबल सुपर पावर और एक लीडिंग पावर के रूप में इमर्ज होती है और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश सुपरमेसी को ओवरकम कर चुकी होती है, ब्रिटिश सुपरमेसी को सरपास कर चुकी थी, इवन ब्रिटिश इकोनॉमी को सरपास कर चुकी होती है। और इस लीडिंग सुपरमेसी के रेस में यूएसए ने फिर से अपने आप पे प्रूव किया कि ही इज द लीडिंग वन एंड ही विल लीड द वर्ल्ड इन कमिंग फ्यूचर। इसीलिए ईयर 1956 में जो फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो यूएसए में होता है। तो इस तरह से यूएसए ने एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी, एक जीवनदायिनी टेक्नोलॉजी जो है विश्व को दिया और इस तरह से अपने सुपरमेसी को एक नए दौर में नई परिभाषा के साथ परिभाषित। ट्विन टर्म्स से तो आप लोग फैमिली होंगे, जी हां मैं जुड़वा बच्चे की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि ट्विन में जुड़वा बच्चे एक दूसरे के लिए एक सेफ कॉर्नर है पूरे लाइफ में एक दूसरे के लिए। वैसा क्यों? देखिए ट्विन बच्चों का जो जीनोम होता है, मतलब जेनेटिक्स जो होता है वो सेम होता है और ऐसे केसेस में अगर उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ी या फिर किसी भी ऑर्गेन की जरूरत पड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर की जरूरत पड़ी, किडनी की जरूरत पड़ी, स्किन की जरूरत पड़ी, तो ऐसे केसेस में वो दोनों ट्विन एक दूसरे के लिए सक्सेसफुल डोनर का काम करता है। इसीलिए मैंने कहा कि ट्विन एक दूसरे के लिए एक सेफ कॉर्नर है थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ। पिछले 50 साल में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी के रूप में इमर्ज जरूर हुई है, लेकिन इसका एक निगेटिव साइड भी है। इवन आफ्टर 50 साल हो गए बोन मैरो टेक्नोलॉजी को इमर्ज होके, लेकिन आज भी ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक बिलियनरी या हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के पॉकेट का पॉकेट गेम बन के रह गया है। इसका वजह है कि एक सक्सेसफुल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को करने के लिए ऑलमोस्ट, अगर मैं इंडियन रुपीज की बात करूं तो लगभग 10 लाख से लेके 80 लाख का खर्च होता है। ये डिपेंड करता है आपके सीरीज पे, आप किस हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन यूएसए में इसका कॉस्ट और भी ज्यादा है। और दूसरा कारण है लो सक्सेस रेट। जी हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेस रेट कहीं भी नहीं होता है। अगर आपका डोनर रिलेटिव्स है, मींस आपके फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का भाई हो, बहन हो या फिर उसके रिलेटिव्स में हो, तो ऐसे केसेस में जो सक्सेस रेट वो कुछ ज्यादा है, जो ऑलमोस्ट रेंज करती है 60 से लेके 80%, समवेयर 90% भी क्लेम। लेकिन अगर डोनर रिलेटिव्स नहीं है, मतलब आपके फैमिली से नहीं बिलोंग करता है लेकिन फिर भी मैचिंग है, तो ऐसे केस में जो सक्सेस रेट है वो कम है और वो ऑलमोस्ट 40-50 or 60% है। तो लो सक्सेस रेट और हाई कॉस्ट की वजह से आज भी 50 साल होने के बावजूद ये बोन मैरो टेक्नोलॉजी जो है वो एक हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जो मिलियनरी बिलियनरीज के पॉकेट का गेम बन के रह चुका है। ओवरऑल मैं अगर कंक्लूड करूं तो बोन मैरो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है, एक जीवनदायिनी टेक्नोलॉजी है और ऑलमोस्ट एवरी ईयर 50,000 से ज्यादा लोग का ट्रांसप्लांटेशन होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन अभी भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के रिसर्च में एक मेजर ब्रेकथ्रू की जरूरत है ताकि ये टेक्नोलॉजी एक आम आदमी के लिए बन सके, एक कॉमन पर्सन के लिए बन सके और इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो एक इकोनॉमिक बर्डन ना बन जाए। तो इस तरह से मैं वीडियो को एंड करता हूं। आई होप ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट विल बी ऑलवेज देयर अप्रिशिएशन फॉर मी। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।